गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंट का जो सब्जेक्ट है एनएपी 2020 के अनुसार जो न्यू सिलेबस है तो उसके अंडर मैनेजमेंट अकाउंट का सब्जेक्ट आता है एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का। तो आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2024 उसका सोल्यूशन जो है फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑब्जेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज हम पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं, तो इसमें हम प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन लेने वाले हैं। ये जो प्राइसिंग डिसीजन का टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट के लिए भी है, तो बीकॉम के स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। देन कॉस्टिंग स्पेशल के जो स्टूडेंट है एमकॉम के तो वो भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उनके कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में भी प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम है। सो ये जो वीडियो है ये सीएमए के स्टूडेंट, सीए के स्टूडेंट, उसी के साथ बीकॉम के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट को एक नोटिस है कि हमारे चैनल पर सभी टॉपिक्स की सभी वीडियोस उसी के साथ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की सभी क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशंस है वो भी अवेलेबल है। आप सिर्फ प्लेलिस्ट चेक करते जाइए या फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ, मतलब जैसे कि मैंने एमकॉम की वीडियो अपलोड की तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमकॉम से रिलेटेड सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आ जाएगी। अगर मैं एसवाई बीकॉम की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आ जाएगी, या फिर टॉपिक वाइज भी आप प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में से आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी। कुछ कुछ स्टूडेंट का कहना होता है कि ये सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी के लिए है क्या? नहीं, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम होते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी भी हो। तो आपको अकाउंट कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट, टैक्सेशन, ये कहीं पर भी चेंज नहीं है, मतलब जो टॉपिक्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। सिर्फ आप अपना सिलेबस देखिए और सिलेबस में जो टॉपिक होगा उस टॉपिक की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रॉब्लम्स और उसकी वीडियोस मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट मैनेजमेंट अकाउंट के जो क्वेश्चन पेपर है उसका। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज मैं सेकंड पार्ट में ये जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 में वो लेने वाली हूँ। 18 मार्क्स के लिए था, प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये सेम प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में भी था 9 नंबर का, लेकिन यहाँ पर फिगर्स जो है डबल करके दी गई है। तो देखिए डीलाइट लिमिटेड कोल्हापुर हैज सबमिटेड फॉलोइंग कॉस्ट एंड प्राइस डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर द ईयर 2022-23। हमें प्रोडक्शन एंड सेल्स दिए गए हैं 10,000 यूनिट के, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 400, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट है 200 एंड फिक्स कॉस्ट है 4 लाख। तो हमें क्या करना है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। लेकिन यू आर टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन मार्केट प्राइस मीन सेलिंग प्राइस बाय 25%। तो हमें दो तरह से निकालनी है, एक प्लेन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर से निकालनी है और सेकंड वन हमें 25% से सेलिंग प्राइस कम करके निकालनी है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ डिलाइट लिमिटेड कोल्हापुर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर का कॉलम किया है, एक बिफोर प्राइस रिडक्शन है, एक आफ्टर प्राइस रिडक्शन है। तो सेल्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो है 400, तो मैंने सेल्स जो है मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पर ली है 400। अभी मैं 25% से रिड्यूस करके यहाँ पर लूंगी, तो 400 में से 25% यानी कि 100 रिड्यूस किए तो यहाँ पर आ गए 300 सेलिंग प्राइस। अभी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेम आएगी दोनों में से, तो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट वो है 200, सो लेस वेरिएबल कॉस्ट 200, यहाँ पर भी 200, तो माइनस करके हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बिफोर प्राइस रिडक्शन आया 200, आफ्टर प्राइस रिडक्शन आया 100। ठीक है, 300 में से 200 हमने माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 100। अभी इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट टोटल में 4 लाख है, तो 4 लाख को हम 10,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 यूनिट की मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमने सभी कॉस्ट जो है 1 यूनिट की ली है। सो
लेस फिक्स कॉस्ट जो है वो आ गई 40 रुपीज, यहाँ पर भी 40 रुपीज, तो यहाँ पर आंसर आ गया 160, वो है प्रॉफिट पर यूनिट का। यहाँ पर आ गया 60, वो है पर यूनिट का प्रॉफिट। अभी हम वन बाय वन कैलकुलेशन करेंगे, पहले निकालेंगे पीवी रेशियो, बाद में ब्रेक इवन सेल्स एंड लास्ट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो पीवी रेशियो के लिए मैंने पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बिफोर प्राइस रिडक्शन आया है 200, तो हम 200 को सेलिंग प्राइस 400 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया है 50%। यहाँ पर हमने 100 जो कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिंग प्राइस 300 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो कैलसी के ऊपर आप निकालेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो 33.33% आएगा। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम 1/3 लेंगे, क्योंकि 1/3 लेंगे तो ही एब्सोल्यूट आंसर आएगा, इसलिए हम 1/3 लेंगे। अभी हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में, तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो यहाँ पर हमने फिक्स कॉस्ट लिखी 4 लाख, इसको 50% से डिवाइड किया, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 50 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ गया 8 लाख। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है वो हमें आफ्टर प्राइस रिडक्शन करना है, तो आफ्टर प्राइस रिडक्शन हमें कैलकुलेशन करना है। आफ्टर प्राइस रिडक्शन 4 लाख को हमें 33.33% से डिवाइड करना है या फिर 1/3 से डिवाइड करना है। तो 1/3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से डिवाइड होगा, सो 4 लाख तो 4 लाख × 3 डिवाइडेड बाय 1, ये जो है डिवाइडेड बाय 1/3 है, सो उल्टा करके 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 12 लाख। अभी हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस जो है वो रिड्यूस हुई है। तो यहाँ पर 400 प्राइस थी, यूनिट कितने थे 10,000 थे, तो 10,000 यूनिट इंटू 400, तो यहाँ पर सेल्स आ गए हमारे 40 लाख के। तो 40 लाख में से हमने ब्रेक इवन सेल्स 8 लाख माइनस करने हैं, तो आंसर आ गया 32 लाख। और यहाँ पर जो प्राइस है 300 हो गई है पर यूनिट की, सो 10,000 यूनिट इंटू 300 इज इक्वल टू 30 लाख, तो 30 लाख में से हमें 12 लाख ब्रेक इवन सेल्स माइनस करने हैं, तो आंसर आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 18 लाख। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो प्राइसिंग डिसीजन का ये प्रॉब्लम था, यहाँ पर देखिए ये वीडियो आप TYBCOM के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम था और ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, 18 मार्क्स के लिए पूछा गया था। और लास्ट में आपको शॉर्ट नोट पूछी गई थी, एनी टू लिखनी थी, तो ये 10 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। तो इस तरह से हमारी ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर कंप्लीट हुई है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।